नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दीपावली पर सबसे अधिक महत्व लक्ष्मी पूजन का होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। हर वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पूरे देश में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर ओर दिवाली की धूम और जगमग करते दीपक दिखाई देते हैं। दीपावली की रात पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता है। परंतु आज अधिकतर लोगों को लक्ष्मी पूजन की विधि नहीं पता होगी। पूजन विधि व इससे होने वाले लाभों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। इसमें माता लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जैसे वस्त्रों में माता का प्रिय वस्त्र लाल गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र होता है। उन्हें पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब और चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। इसके अतिरिक्त अनाज में चावल और मिठाई में घर में बनी शुद्धता पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा शीरा का उपयोग करें। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, साबुत हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर और भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पूजा सामग्री एकत्रित करने पर चौकी पर मां लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की ओर बैठें। अब कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे और इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दो बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें व दूसरे में तेल भरें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में रखें। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। इन्हें 16 मातृका का प्रतीक माना गया है। नवग्रह व 16 मातृका के बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी लगाएं। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश को रखें। इन थालियों के सामने यजमान बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। अब सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के जलपात्र से थोड़ा सा जल लें और अब उसे सामने रखी मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। इसके साथ पवित्रीकरण मंत्र का जाप करें। अब इसी मंत्र एवं जल को छिड़ककर आप अपने आप को और पूजा की सामग्री को एवं अपने आसन को भी पवित्र कर लें। फिर आचमन करेंगे। पुष्प, चम्मच या अंजुली से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए एवं बोले, ओम केशवाय नमः। इसके बाद फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए
और बोले ओम नारायणाय नमः। इसके बाद फिर एक तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए एवं बोले ओम वासुदेवाय नमः। अब इसके बाद ओम हृषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को धो लीजिए। फिर पुनः तिलक लगाने के बाद अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या आत्मा तत्व एवं बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए एवं 3 बार लंबी सांस लीजिए, मतलब प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा आरंभ करने से पहले स्वस्तिवाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प अक्षत यानी चावल एवं थोड़ा जल लेकर स्वतिनः इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लिया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। आप हाथ में चावल पुष्प और जल के साथ कुछ द्रव्य यानी धन लें। यह सभी हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प लीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे हमें शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी एवं माता गौरी का पूजन करें, फिर उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन करना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा सा जल ले लें एवं आवाहन व पूजन मंत्र बोलें और पूजन सामग्री चढ़ाइए। इसके बाद फिर नवग्रहों का पूजन करें। हाथ में चावल और पुष्प ले एवं नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन करें। हाथ में गंध अक्षत और पुष्प ले लें और 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। मान्यता है कि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और उनकी पूजा से धन तथा ऐश्वर्य मिलता है। वहीं भगवान गणपति को प्रथम पूजनीय माना जाता है। दीपावली के दिन गणपति के पूजन से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है और बुद्धि के देवता अपने भक्तों को सद्बुद्धि का वरदान भी देते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।